2019 आने वाला है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है कि कैसे राहुल गांधी को थोप दिया जाए जनता के ऊपर। और जनता भी परेशान है कि अगर मोदी ने अगर थोड़ी बहुत कहीं भूल चुकी है तो उसके अलावा किसको चुना जाए, और राहुल गांधी को कांग्रेस थोपने में लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पिस रही है जनता। और मैं आपको कुछ ऐसे कारण दिखाना चाह रहा हूँ जो बात जनता बहुत अच्छे से जानती है, और ये वीडियोज़ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह वायरल होती हैं। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें कितना मजा देंगे। मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप जरूर समझ जाएंगे कि एक्चुअली आपके पास ऑप्शन क्या है, और मैं बायस होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सर यहाँ आने में सर रोड पे झटका अटका लगा के नहीं सर फूला और देख लिया पोजीशन सर हम लोगों की सर। आप भैया बीजेपी में काम करो जाते हैं, आप भैया बीजेपी में काम करो जाते हैं, आप भैया बीजेपी में काम करो जाते हैं। ठीक सर, थैंक यू। नीरव मोदी 22,000 करोड़ रुपए आपके उठा के ले जाता है। 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया है नीरव मोदी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो उनके दोस्त हैं उनके जेब में 35,000 करोड़ रुपए डाल दिया। यूपीए ने 526 रुपए का एक हवाई जहाज, 520 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। पिछले दो सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 10 उद्योगपतियों का 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया। जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, 15 सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल में 1,50,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस बीच में अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में है। इस वक्त बड़ी खबर में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि देश का मुस्लिम तबका कमजोर है, कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी और राहुल ने कहा है कि 2019 में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने का प्रण दिया जाएगा। एक उर्दू अखबार की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकलाब एक उर्दू अखबार। हम चाहते हैं कि आपके सेलफोन के पीछे, आपकी शर्ट के पीछे, आपके जूते के नीचे मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड इन इंडिया लिखा जाए। हम चाहते हैं मेड बाय एचएल लिखा जाए। मैं राहुल जी से मुलाकात करने के लिए आई हूं और अपने दिल की बात करने के लिए आई हूं। मैं ओबीसी की महिला हूं और उनकी पार्टी कितने दिनों सहयोग कर रही हूं और मुझसे क्यों नहीं करेंगे शादी। मैं चाहती हूं कि मेरे शादी हो, मैं चाहती हूं कि मेरे शादी हो। मेरी माता जी गरीब है,
क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? दो तीन चक्कर मैं उनसे मिल चुकी, उन्होंने हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा कैसी हो, तब से मैं समझी कि हाँ ठीक है ये भी चाहते हैं, तब से मैं शादी की इरादा बना ली। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? हमारे पीछे बहुत दुश्मन है और इसलिए कि वो मिल जाएंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा। उनके ऊपर जो कष्ट है वो मैं कम करूंगा। जब मैं उन्हें अपने सपनों में देखती हूँ तो वादा करते हैं कि हाँ मैं तुमको चाहता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूँगा। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। सपने में आते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे भी पैदा करूँगा। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं कर सकता मैं और एक दिन भी इंतजार, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार जानम हो। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि रिलीजन कास्ट इन सब चीजों से हट के कि एक्चुअली मैं आपको किसके कंपैरिजन में कितना मिल रहा है। आप बहुत लोग होते हैं कि किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली किसी ना किसी पार्टी में होती है, तो लोग सिर्फ बायस होके वही सोचते हैं, थोड़ा सा भी हट के इधर दिमाग नहीं लगाते कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए। वो हमारे वो पार्टी दे रही है जिससे हम जुड़े हैं, या फिर वो पार्टी दे रही है जो पावर में है, तो थोड़ा समझना चाहिए और उसी के हिसाब से वोट देना चाहिए। आपको अपने वोटिंग राइट का, उस पावर का अच्छा इस्तेमाल करते हुए उसी कैंडिडेट को जिताना चाहिए जो आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरा है। कोई पार्टी एक दिन में खड़ा नहीं उतरती और उसको बहुत टाइम लगता है, उसको पहले क्लियर करना है, फिर अपना रास्ता बनाना है, फिर उस पर चलना है। वो समझते समझते फिर जब तक वो अंदर अंदर ये सब चीज़ें कर रहा होता है तब तक उसको जनता जज करने लग जाती है कि ये काम नहीं कर पाएगा, ये बहुत लेट कर रहा है। तो वही बात है इस सरकार के साथ भी, जब तक इसने ये सब चीज़ें समझी कि इतना गंदगी फैली है, पहले उसको साफ करो, अपने लिए एक रास्ता बनाओ और उस पर फिर चलो और अपनी पॉलिसीज पर खड़े उतरो, तब तक इतना समय लगता गया और उसमें भी बहुत ऐसे ऐसे काम हुए, उसको कोई नोटिस इसलिए नहीं कर रहा है, कुछ कुछ काम पता ही नहीं चलते हैं बहुत लोगों को कि हुए भी। तो उनको उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि या तो नेट पर ढूंढें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कितने रेट से कितने परसेंट से चीज़ें बढ़ी हैं, तो सवाल पूछो, RTI डालो। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आपका वोट कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं बायस नहीं हो रहा हूँ और ना ही मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको किसको वोट करना चाहिए, मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं आप लोग पहली बार नहीं देख रहे होंगे राहुल गांधी की, लेकिन ये भी मैं देख देख के सोच रहा था कि सबको क्लब करते हैं और एक बनाते हैं और जनता पर छोड़ देते हैं कि वो क्या चाहती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपनी वोटिंग राइट का अच्छे से इस्तेमाल करो। थैंक यू। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।